बाजरा की मोती। अल्लाह दादी। अरे का भइल? हाँ काहे रोवत हो? अबू अबू काबू कुछ कहले हैं? दादी हम अबू से कहले कि चल के हमरा का सुता दी। वही पे कहा हम का डांट देले। बस इतनी सी बात पे चुप चुप चुप। हम तोरा अबू के डांटब कि खबरदार हमार गुड़िया बिटिया के फिर कबू डटले तो हमसे बुरा केहू ना होई। ठीक का भइल अमर भांजी के? काहे रोज बिया? सब खरियत बा? कुछ ना भइल, सब ठीक बा। तू जाई वहां से। हम जाई? अरे हमरे भांजी की आंखी से मोती जैसा आंसू टॉप टॉप गिराता और रउआ कहत हैं कि हम यहां से चल जाई। हरगिज नहीं। अरे हम ओकरा के इहे जुल्मो सुतम से बचावे खाजे तो इहां आइल बानी। हम ओकरा पे कौनो तरह के अत्याचार ना होखे दे, बुझली? चल बेटा चल चल हमरा संगे, हम बानी नू चल। अल्लाह ये मामा है कि आधी रोटी पे दाल, जब देखो तब बीच में टपक जाला। या अल्लाह रहम कर रहम। अरमान बेटा। हाँ मैं। तू खुशबू के डटले रहा? हाँ हमरा अफसोस बा, लेकिन वो नरगिस के बारे में उल्टा सीधा कहे लगली, हमरा लागत कि यही खातिर ना। हम जानत है बेटा, लेकिन ए तरह आपा खुवले से बात और बिगड़ जाए। और तुहार हौ साला ओके तिल का ताड़ बनावे में तनिको वक्त ना ही लगे। बेटा खुशबू के दिमाग से नरगिस के लेल चिकलत फहमी के बीच बा ओकरे धीरे धीरे हटावे के पड़ी। जा बेटा नरगिस के ले आ। हम जानत हैं वो ओइजा भी सुकून से ना हुई। ठीक बा अम्मी, हम काल नरगिस के ले आए। सरस्वती हम तो सोचत रहले कि नरगिस के शादी अच्छे घर में हो गईल बा, ओकरा के ओकर जिंदगी मिल गई, ओकरा ओकर दुनिया मिल गई, लेकिन आज हम ओकरा की हालत में देख ली है तो हमका अपने आप से नफरत हो लगल बा। ओकर ये हालत के जिम्मेदार हम है ही हम। पता नहीं का हमार बेटी पर कौन मनहूस का नजर लग गई, इतना हंसे बोले वाले बेटी के चेहरे से हंसी गायब हो गई। जिंदगी में पहली बार हम ओकरी आंखी में आंसू देख लिए, ओकरी हालत देख के हमार कलेजा फट के रह गए, फट गए। हमने तो अब ही सुन ली, बाकी ओकरा पर का बीतत हुई का मालूम। तू जिंदगी में घुट घुट के जियत रहल और हमने के एहसास भी ना होके देलस। हम जब भी ओकरा के फोन कैली तू यह कहस कि बाबूजी हम एजा बहुत खुश बान, हमरा के कोनो दुख नहीं खे, सब लोग हमरा के बहुत प्यार करेले, खुशबू हमरा पे जान निछावर करेली। वो छोटी अम्मी कह के हमरे आगे पीछे घूमेली, लेकिन हमरा के का मालूम रहल, हमरा के का मालूम रहल सरस्वती को हमनी के झूठी दिलासा दे रहल बा और जिंदगी में जहर के घूट अकेले पी रहल बिया। देखिए जी जौन भय तौन भय, अब आगे का करे के बा एक सोची, आखिर ओकर गृहस्थी का सवाल हो। हाँ सरस्वती, नरगिस के जिंदगी में खुशी ले आवे खातिर हमनी के कुछ न कुछ तो करे ही के पड़ी, कोनो न कोनो हल तो निकाले के ही पड़ी। हाँ।
अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह रे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह रे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह रे अल्लाह परवरदिगारे आलम हमको बचाए रखना परवरदिगारे आलम हमको बचाए रखना उम्मीद की ये शम्मा उम्मीद की ये शम्मा दिल में जलाए रखना ओ मेरे मौला अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह रे अल्लाह बेटी नींद ना बताओ भोला बेटी अब हम सर दबा देते तब नींद आ जाए बेटा प्रहति माई अपने आप नींद आ जाए अपने आप कैसे आई कब से हम देखा थे तो यार बार घूमत हो चला लेटा हम सर दबा देते चला लेटा बेटा लेट जा रिश्तों के समंदर गहरे है चलता है जहां हम ठहरे हैं हम कैसे बचे तूफानों से मजबूर जिगर पे पहरे हैं अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह रे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह रे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह रे अल्लाह देख ले ली ना बिटिया के का हाल हो गए बा अब चुप भी करा ना बिगड़ल काल मनावे के चाहे कि बिगाड़े के हैं अरे जोन बीत गेल छोन बीत गेल ऊपर बहस कैला से का फायदा अरे अभी सोचे के बा कि आगे हमने के का करे के बा आप ठीक कहते हैं बाबूजी चिल्लाया से कोना मसला घलना निकली देखा हम चिल्लात ना है जौन हकीकत बा उहे कहा गई चुप हो जाएं दीदी बात का पतंगड़ काहे बनावत है भाभी हम ता इहे चाहत है कि नरगिस ई भवर से कैसे निकली अरे कब तक ही मझधार में डूबत रही कब तक देखा हमार सोना जैसन बिटिया के जिंदगी वीरान होके रही गल बा अरे अरे हमसे एकर दुख नहीं देखा जात बा नहीं बुआ जी सब ठीक हो जाई का ठीक हो जाई हमरा के मालूम बा हमार नरगिस बहुत भोली बा घुट घुट के मर जाई पर उफ तक ना करी ये हम जानत हैं आप जानत हैं तो जान बूझ के अनजान बने के का जरूरत बा अरे बिटिया के मुआवे चाहत है का खुशबू और अरमान दोनों हमार बिटिया के लायक नहीं थे कहा कहते दीदी सच्चे कहा था देखिए अगर आप लोग यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठा रहिए तो एक दिन हाथ मल के सोचे के पड़ी हम तक कहा था कि अरमान हमने नरगिस के जिंदगी में दुख के अलावा कुछ ना दे सकेला कुछ ना अरे कौनो अच्छा मौका देख के उन दोनों का तलाक करा दी अरे
सोच समझ के बोले थे। अरे जान बूझ के मुआवे चाह था वा हमरे नरगिस के। अरे गलती तो आप सबके बा और उससे बड़ी गलती अरमान के बा जौन एक लड़की के बाप बिके हमार नरगिस से शादी कई के हमार बिटिया के सारी खुशी छीन ली। अरे अरमान के तो खुद ही चाहिए कि ओकरा के तलाक दे दे। बेटा दीदी के बात का बुरा जिन माने मत रोए बेटा। भाई भाई केहू के बात के बुरा ना माना थे भाई हमके मालूम कि आप लोग हमके इतना प्यार करत हैं यही से हमरे लिए फिकर होता है। जिन रोवा बेटे तू जिन रोवा माई हम रोवत कहाँ है ये तो खुशी के आंसू है और आप लोग हमके इतना प्यार दिला कि शायद दुनिया में केहू के इतना प्यार ना मिले और रही उलोगन के बाद तो वो लोग हमके इतनी मोहब्बत कर रहे थे लेकिन हालात के दीवार हम लोगन के बीच में आ जा रहे माय देख ले ली हमार बिटिया के भोलापन। अरे सरस्वती कुछ ऐसा करा कि हमार बिटिया के खुशी वापस आ जाए। अरे हमार काबा हम तो एक दिन खातिर आई रही आज चली जाए तो ठीक कहता हूँ हम अपना बेटी की खुशी की खातिर कुछ ना कुछ जरूर करब। आप लोग बैठी हम नाश्ता बना के लावत है। हाँ सुसती हमरा के लिए बहुत भूख लगल बा तनी आराम कर ले। अवली नाई आखिर अरमान कहाँ रह गई। या अल्लाह आज इतना खुशी के दिन बा हमार नरगिस अरमान के साथ ही आवतिया। आज तक हमरे खुशी के ठिकाना नहीं बा अब हम नरगिस बेटी के वापस ना जाए देव। बड़ी अम्मी आप बहुत खुश लागत हैं। अल्लाह झूठ ना बुलाए आपके इतना खुश देख के हमार दिल बाग बाग हो जाला। बड़ी अम्मी का हम जान सकीला कि आप काहे खुश हैं। आज अरमान नरगिस के लिए आवे गई हवा है ना खुशी की बात। हाँ बड़ी अम्मी ये तो बहुत खुशी के बात बा लेकिन वो अब ही ना आई हमसे इतना इंतजार ना होत बा। बड़ी अम्मी अरमान मियाँ आपके बेटा हवे वो ससुराल जाके थोड़े चिपक जाई हैं। आ जाई हैं तनी सबर करी। अरमान तू आ गई ला हम कब से इंतजार कर रहे थे। नरगिस कहाँ है बेटा। अच्छा वो बाहर है। अल्लाह
झूठ ना बुलाए बड़ी अम्मी। आप बहुत खुश रहली, लेकिन आपकी खुशी मातम में बदल गई। बड़ी अम्मी कहाँ भेल, आप इतना परेशान काहे हैं? बाजी कहाँ भेल, बड़ी अम्मी बहुत परेशान लगते हैं। सबके परेशानी में ही हमार खुशी छुपल बा। बाजी आप कौनो ताज्जुब है का? नहीं बाजी। अच्छा ये बताओ ये खाना केकरा खातिर ले जाता हूँ? बाजी खुशबू खातिर। एका कौनो जरूरत नहीं खे। बाजी ये आप का कहते, खुशबू भुखाइल हुई। हम जाना थे, तू जा। जोया ये खाना ले जाके तू अपन हाथ से खुशबू के खिला दे। हम? हाँ तू। बाजी कलाई पकड़े के पहले अंगूरी पकड़े के होला। अल्लाह झूठ ना बुलाए, वही होई जोन हम चाहब।